खबरों में है दम, सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या, उसके ही दूर के जीजा ने किया दुष्कर्म। मामला नारायणगंज के अंतर्गत टिकरिया थाने का है, जब पास के ही गांव पर रहने वाली 9वीं छात्र की बालिका स्कूल से घर आ रही थी, तब उसके दूर के जीजा ने उसे और उसकी सहेली को घर छोड़ने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। सहेली को उसको घर छोड़ने के बाद वह उससे नाबालिग को पास ही के बमनी भावल पर काम है कहकर उसे वहां ले गया। लौटते समय रास्ते पर अंधेरा होने के बाद उसने तालाब पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। मौके से फरार हो गया। परिवार वालों ने अपनी बेटी के घर न आने पर स्थानीय थाने टिकरिया पर शिकायत की, मगर परिवार वालों का आरोप है कि टिकरिया थाने की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। सुबह ग्रामीणों के साथ उस बच्ची की तलाश की गई, जिसका शव तालाब के किनारे मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 30 को जाम लगा दिया। उससे दुर्भाग्य की बात यह है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी प्रदेश के मुखिया के आने की तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल स्थानीय विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले मौके पर ग्रामीणों के साथ हैं। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।